2 अक्टूबर को महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार गुट अकोला महानगर कार्यालय में रफीक सिद्दीकी महानगर अध्यक्ष के मार्गदर्शन में 200 निर्माण कामगारों को सुरक्षा किट व बर्तनों का वितरण किया गया। इस वक्त राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार महानगर अध्यक्ष रफीक सिद्दीकी ने असंगठित कामगारों को मार्गदर्शन करके सुरक्षा किट एवं बर्तनों का वितरण किया। लाभार्थियों को असंगठित कामगार जिला अध्यक्ष अनिता दिखेकर के प्रयासों से किट एवं बर्तन मिले। इस वक्त प्रमुख अतिथि के रूप में देवानंद टाले, जमील खान, रियासुद्दीन पहलवान, शौकत भाई, मंसूर भाई, दिलावर भाई थे। उसी तरह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के सतीश सरपाते, अमित जी, नजरुद्दीन खतीब, अलीमुद्दीन खतीब आदि पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने अथक परिश्रम लिया, कार्यक्रम को सफलतापूर्ण संपन्न किया। इस वक्त राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र पवार के सभी गुट के पदाधिकारी, फ्रंटल व कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित। लाभ मिलना चाहिए तो इसके ऊपर हमारे यहाँ पार्टी ने, महाविकास आघाड़ी ने निर्णय लिया कि अब जो वंचित है लोग अब उस सरकार से नहीं रहेंगे। स्टूडेंट्स हो उसको पूरी तरीके से उसका अर्जाना मिलना चाहिए। हमारी बहनें छोटे छोटे बच्चे को लेके धूप में बैठी है, किस तरीके से काम करती है। ये जो पेटी है, मजदूर पेटी और ये भांडे है, हम चाहते हैं कि इससे हमारा काम होने वाला नहीं। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को परमानेंट उपाय होना चाहिए, एजुकेशन फ्री होना चाहिए। सबसे बड़ा लाभ हमारे यही है और हमारे बच्चों को रोज़गार, नौकरी होना चाहिए। हमारी बहनों को घर बैठे 1500 रुपए की लालच में 10,000 भी मिल जाएंगे, लेकिन इनको एक अपना खुद का बिजनेस करना चाहिए। इनको आगे बढ़ने के लिए शासन ने ऐसे निर्णय लेना चाहिए। वो निर्णय अगर कोई ले सकता है तो महाविकास आघाड़ी, शरद पवार। महान्यूज 7 के लिए गुलाम मोहसिन अकोला।